हेलो बहनों, आज हम अपनी सुंदरता पर बातचीत करेंगे। कहने का मतलब ये है कि किस तरह से हम अपने आप को दुबला पतला, सुडौल और आकर्षक बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जब हमारी शादी होती है या बच्चा होता है, बस उसके बाद से हम लोग फूलना शुरू हो जाते हैं और थोड़े ही महीनों में अच्छे खासे मोटे ताज़े हो जाते हैं। आज स्टूडियो में दो बहनें आई हैं जो हमें ये बताएंगी कि किस तरह से हम अच्छी खुराक और योगा करके अपने आप को सदा सुंदर और छरहरे बदन वाली बना के रख सकते हैं। तो लीजिए, इन दोनों बहनों से मिलिए। ये है डॉक्टर इफ्तिखार अली खान। हेलो। और ये है तारा पटेल। हेलो। तो तारा बहन, मैं बता दूं पहले हमारी शिकायत क्या है कि वज़न जो है, हमने देखा है कि ज़्यादातर तीन भागों तक सीमित रहता है। पहला तो ये कि हमारे बाहें, ऊपर के हाथ जो हैं वो बहुत मोटे हो जाते हैं। दूसरा ये कि हमारा पेट बहुत बढ़ जाता है, कमर और पेट, उस पर बहुत चर्बी आ जाती है। और तीसरा ये कि हमारे हिप्स और हमारी जांग, इस पर भी बहुत वज़न आ जाता है। तो आप हमें कुछ ऐसे आसन बता सकती हैं जिससे कि हम ये तीनों भागों की मोटाई को कम कर सकते हैं? हाँ हाँ, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं। योगा में जो मैंने आज के लिए आसन प्रिपेयर किए हैं वो लगभग सभी लोग कर सकते हैं। मैंने सिंपल रखे, मैंने प्रेपरेशंस भी सिंपल रखे। प्रेपरेशन से मैं ये कहती हूँ कि जब योगा आप पहली बार करो या तो शुरुआत में एटलीस्ट आपको शरीर को थोड़ा नरम करना पड़ता है, यानी कि स्टिफनेस निकल जाए, तो आप आसन में अच्छी तरह और ईजिली जा सकते हो। दूसरा ये होता, याद रखने की ये ज़रूरत है कि आसन सुबह करने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपका स्टमक खाली होता है, आपने मे बी जूस पिया हो या तो चाय पी होती है। जब सारा फैमिली घर से चला जाए, बच्चे, हस्बैंड, आपको आधा घंटा एटलीस्ट आप खुद के ऊपर स्पेंड करना चाहिए। दैट्स योर प्रिविलेज। बिल्कुल, हर औरत को अपने ऊपर आधा घंटा तो कम अज़ कम खर्च करना चाहिए, डेफिनेटली। अच्छा, तो मैंने आज के जो आसन किए हैं मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं थोड़ा प्रिपरेशन दिखाऊंगी। आज के आसन के लिए पहले हमें हाथ को तैयार करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने हाथ के लिए और वेस्ट लाइन के लिए एक कॉमन आसन प्रिपेयर किया है। तो आप अच्छी तरह देखो मैं कैसे करती हूँ। जैसे मैं श्वास लेती हूँ, मैं आर्म्स को ऊपर करती हूँ, मेरे आर्म्स काफ़ी टाइट है, फिर मैं उसको नज़दीक लाती हूँ। ये सब मैं एक ही श्वास में कर रही हूँ। और जब भी मैं श्वास निकालती हूँ, ब्रीद आउट करती हूँ, मैं आर्म्स को साइड पर ले जाती हूँ, फिर भी तनाव है मेरे सारे आर्म्स ऊपर। और जब भी फिनिश होता है, श्वास निकाल के मैं रिलैक्स कर जाती हूँ। अभी मैं और एक बार दिखाती हूँ। आपको योगा के सब आसन इसी तरह एंजॉय करने चाहिए। इस आसन में आपको पग भी प्रिपेयर करने पड़ते हैं, तो मैंने आपके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज चूज की है। तो इसमें श्वास लेते वक्त शरीर को अच्छी तरह खींचो ऊपर, ये सारे पार्ट को स्ट्रेच करके अपने आप को लंबे बना के, फिर जब भी श्वास निकालते हो आप फॉरवर्ड बेंड में जाओ और यहाँ अच्छी तरह रिलैक्स करो नेक, शोल्डर्स, आर्म्स। फिर नीज की मदद से आप पग के पीछे भाग को प्रिपेयर कर सकते हैं। दिस एक्सरसाइज इन इटसेल्फ आपको आपके पग को बहुत मजबूत बनाती है। और फिर निकल के पग साथ रख के अ शॉर्ट रिलैक्सेशन, बेंड योर नीज, फिर रिलैक्स करो। अभी इसके साथ मैंने जो आसन किया है वो भी काफी सिंपल है। इसमें खास पॉइंट्स ये याद रखने होते हैं कि पग जो है, जो आपके टोज है वो सीलिंग को पॉइंट करे, आपका ये पग है वो जो फ्लैट रहे, और आपकी स्पाइन सारी है वो नीज के नज़दीक लेके आओ, ये नहीं, यहाँ। तो आप अच्छी तरह से खुल के आसन कर सकते हो। आसन का नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। आप इसमें से देख सकते हो मेरे हाथ का तनाव और मेरी वेस्ट लाइन। इसमें से निकल के जस्ट अ शॉर्ट रिलैक्सेशन। यही आसन फिर आप दूसरी साइड पर कर सकते हो, लेकिन रिलैक्स करके बाद। रिलैक्सेशन
आसन के जितना ही इम्पोर्टेंट होता है योगा में। अच्छा, अभी मैं दूसरा आसन दिखाती हूँ जो मैंने स्टमक और लोअर बैक के लिए प्रिपेयर किया है, और इसका प्रिपरेशन बहुत छोटा है और सिंपल है, लेकिन आप मेरे को अच्छी तरह देखना। इसमें श्वास लेते वक्त मैं कमर को कर्व कर देती हूँ, और श्वास निकालते के वक्त मैं ये टेल को रॉक करती हूँ और मैं ऊपर देखती हूँ। इसको आप 5 वक्त करके आपका शरीर को तैयार कर लेते हो। अभी इसके साथ का आसन जो होता है वो मैं करती हूँ, जो आप अच्छी तरह करोगे तो यह स्टमक को वो पुल करता है और कमर को जो बैक लोअर बैक के उसको प्रिपेयर करता है, फर्म करता है। इसमें से अच्छी तरह निकल के आपको शरीर को नीचे रख के फिर आपका नीज है उसको टमी पर रख के लोअर बैक को रिलैक्स करना, ये बहुत ज़रूरियात है। क्योंकि अगर आपकी बैक लोअर बैक जो है वो मज़बूत नहीं है तो आपको ज़्यादा नुक्स होता है, बेनिफिट कम मिलते हैं। तो ये ज़रूर देखना कि आपकी लोअर बैक रिलैक्स करे। अभी जब ये आसन में होते हो तभी आपके स्ट्रेचिज जो स्टमक है उसके दोनों साइड पर होते हैं, इसका ज़रूर ख्याल करना। अगर ऐसे गए तो ये सारे स्ट्रेचेस लोअर बैक में होते हैं, यहाँ आके ये सारे स्टमक के ऊपर होते हैं। रिलैक्स करके एक साइड पर रोल करके फिर खड़ा होना। अच्छा, अभी मैं तीसरा आसन दिखाती हूँ जो मैंने वो भी सिंपल रखा है, और वो थाइस और हिप्स के लिए है। इसमें आपको प्रेपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी तक तो शरीर रेडी हो जाता है। इसमें पग अच्छी तरह फ्लोर पर रख के आप लेफ्ट फुट को बाहर टर्न करते हो, राइट को अंदर। इसके साथ ही आपको यहाँ जो जांग कहते हैं उसको पर ट्विस्ट आ जाती है सीधी। अच्छा, फिर जब भी श्वास लेते हो तभी आर्म्स को स्ट्रेच करो अच्छी तरह, स्पाइन को पुल करो, बैक ऑफ द आर्म स्ट्रेच, और श्वास निकालते के वक्त टर्न करके फ्रंट लेग को बेंड करके आसन में हो जाओ। फिर श्वास लेते वक्त उसमें से निकल के पांव टर्न करके आप ऑपोजिट साइड पर कर सकते हो। यहाँ फिर स्पाइन स्ट्रेच करो, आर्म्स को स्ट्रेच करो, एंड देन जब भी श्वास निकालते हो। इसमें आप देख सकते हो कि मेरे थाई और मेरे हिप्स को खूब तनाव मिलता है। ये आसन आप हर रोज करो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ये कंप्लेन फिर रहेगी कि आपके हिप्स और थाइस ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया तारा, बहुत ही काम की बात बताई। आइए बैठिए। अब ये तो रहा योगा का हमारे शरीर को सुंदर बनाने का एक अंग, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सिर्फ ये योगा करने से या कसरत करने से या वर्जिश करने से मोटापा कम नहीं होता है, इसकी एक दूसरा अंग भी है, दूसरा पहलू भी है, और वो है खुराक। सही बात है। तो अभी तारा बहन ने इतने अच्छे एक्सरसाइजेस बताया वज़न कम करने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वज़न कम करने के लिए डाइटिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि गलत ग़िज़ा खाने से या ज़्यादा ग़िज़ा खाने से इंसान मोटा हो जाता है। अच्छा, इसका कहने का मतलब है कि डाइटिंग के पहले तो माने ये नहीं हुए कि आप अपने आप को भूखा रखें। बिल्कुल नहीं।
और दूसरे ये है कि आप अच्छी खुराक और जितनी ज़रूरत हो जिस्म को उतनी खाएं, जो खाएं। जो ज़्यादा खाएंगी आप वो आपके जिस्म में चर्बी बन जाएगी, ये कहना हाँ बिल्कुल। डाइटिंग का मतलब होता है कि ग़िज़ा अच्छी हो और सही मकदार में हो और मुख्तलिफ़ हो, वैरायटी ऑफ डाइट हो। सबसे पहले ये जानना चाहिए आपको कि आपको कितना वज़न कम करना है, तो आप पहले अपने डॉक्टर या हेल्थ विज़िटर से मालूम करिए कि आपकी लंबाई कितनी है और आपका वज़न कितना है और आपको कितना कम करना ज़रूरी है। हफ्ते में 2 पाउंड से ज़्यादा वज़न कम करने की आप कोशिश कभी मत करिएगा। डाइटिंग का मतलब होता है कि सही ग़िज़ा खाएं, और इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि फाखा करें। ये ज़रूरी है कि आपको दिन में 3 मील्स लेना चाहिए, 3 दफ़ा खाना खाना चाहिए। अच्छा, जब आप मतलब ये कि आपने ये तय कर लिया कि आपको वज़न कम करना है, मसलन मैं, हाँ, तो पहले तो मुझे अपना उम्र का ख्याल रखना पड़ेगा, मेरी लंबान कितनी है और कितना मुझे वज़न कम करना है। तो उसके लिए सबसे पहले घर में ज़रूरत ये होगी कि हम एक वज़न करने की मशीन रखें, हाँ, मीज़ान खरीद लें। अच्छा, उसके बाद जो है आप ये कहती हैं कि कोई भी मील हम दिन में 3 मील खानी चाहिए, एक नाश्ता, एक दोपहर का खाना बहुत ज़रूरी है और एक रात का खाना। हाँ, तो सबसे पहले इफ्तिखार मुश्किल ये आन पड़ती है कि जो भी हमें नुस्खे बताते हैं वज़न कम करने के, वो अंग्रेज़ी के होते हैं, उबले खाने खाओ, हमसे तो नहीं खाया जाता। हम हैं अपने सीधे साधे देसी, अपने यू नो हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी, हमको अपनी ग़िज़ा में, अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ बताएं जिससे हम खाएं, सुंदर भी रहें और वज़न भी ना पड़े। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ग़िज़ा यहाँ पर कैलोरीज़ में तोली जाती है। बाज़ ग़िज़ा ऐसी है जिसके कैलोरीज़ बहुत होते हैं और बाज़ ग़िज़ा के कम होते हैं, तो हमको ये मालूम करना चाहिए कि जो कैलोरीज़ ज़्यादा होते हैं ग़िज़ा में वो कम खाना चाहिए। तो ऐसा करें, पहले नाश्ता ले लेते हैं। आप बताएं हम हिंदुस्तानी नाश्ते में क्या खाएं? आप जहाँ तला हुआ अंडा खाते हैं तो आप वहाँ बॉईल कर लीजिए, क्योंकि जब आप तलते हैं तो ज़ाहिर है उसके कैलोरीज़ ज़्यादा हो जाते हैं। कॉर्नफ्लेक्स सीरियल्स ले लीजिए दूध के साथ, या आप चपाती खाने के आदी हैं तो 2 चपाती बग़ैर घी लगाए हुए वो खा लीजिएगा अंडे के साथ, और उसके साथ आप 1 कप ऑफ कॉफ़ी पी सकते हैं बग़ैर शक्कर के। तो जैसे अभी मैंने बताई हूँ कि चंद ग़िज़ाएँ ऐसे हैं जिसके कैलोरीज़ बहुत होते हैं और शक्कर उसमें से एक है। हम अपने खाने को भी तो कम कर सकते हैं, मसलन कि सुबह जो है अंडा पराठे जिनको खाने की आदत है, पराठा नहीं खा के मेरे ख्याल से जैसे कि इन्होंने कहा सूखी रोटी खा लें, घी अवॉइड कर लिया, और देखिए आपकी बचत होगी। दूसरा ये कि अगर शक्कर, मैं सोच रही थी कि सही में अगर हम दिन में 8 कप चाय पीते हैं, अगर 8 चम्मच आप शक्कर लिए कटोरी में तो आपका दिल दहल जाएगा देख के कि वो हाँ वो जो है आधी कप से ज्यादा शक्कर है भूख चुके हैं वो तो बहुत है। अच्छा, बहनों को समझाना ये ज़रूरी है कि आप जितने ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो वो चर्बी में बदल के आपके जिल्द के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। औसत औरतों के लिए जो है जब डाइटिंग शुरू करते हैं उनको 1000 या 1200 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ लें तो समझो वो चर्बी में बदल जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये तरकारी दाल सब्ज़ियाँ जो खाते हैं पका के, इसकी कैलोरीज़ की जो वैल्यू है इसको कम करने के लिए हम क्या करें? तरकारी जो सब्ज़ी है, फल हैं, इसके बहुत कम कैलोरीज होते हैं, तो आप ये ऐसा कर सकते हैं कि जितना चाहे आप इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन कच्चा खाएं, लेकिन जब पकाएं तो कम तेल। मगर ऐसा है ना, बहनों को पकाने की ज़्यादा आदत होती है, तो जब भी आप पकाएं तरकारी उसका ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ही कम तेल डालें और ज़्यादा उसको भुने ना, थोड़ा सा पानी डालकर, क्योंकि उससे भी आपके विटामिन्स कम हो जाते हैं। अच्छा, और ये चावल जो है, चावल अगर हम पानी रख के पकाते हैं तो उसमें जो है स्टार्च जिसको कहते हैं ना, तो वो उससे भी ज़्यादा कैलोरीज मिलते हैं, तो आप जब चावल पकाती हैं तो उसको निथार लीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए, और उसको जहाँ तक हो सके सादे चावल के रूप में खाएं, उसके बिरयानी और पुलाव बघार के बघार के बजाय आप सादे चावल खाइए। अच्छा, और जो लोग गोश्त वगैरह खाते हैं उनको आप क्या? गोश्त आपके लिए तो ज़रूरी है क्योंकि डाइटिंग में ग़िज़ा अच्छी होना चाहिए, प्रोटीन्स मिलना चाहिए, कैल्शियम है, आयन है, विटामिन्स हैं, तो गोश्त जब आप लेती हैं तो बग़ैर फैट कटवा के ना, जो चर्बी होती है वो इस्तेमाल कीजिए।
چربی کٹوا کے پھر گوشت کا استعمال کریں. اور زیادہ تر آپ جو ہے گرل کر لیجئے گا یا ابلی ہوئی چیز کھائیے. اگر ہم ترکاری بنا کے کھاتے بھائی نہیں کھائی جاتی گرل, اگر ہم کو سالانی پکانا ہے تو کیوں نہ ہم کم سے کم گھی میں پکائیں, یا ویجیٹیبل آئل استعمال کر لیں آپ, بہت کم سا. اور سفید گوشت یعنی چکن بھی بہت اچھا ہوتا ہے ڈائٹ کے لیے. اچھا ایک بات اور, آپ جانتی ہیں نا ہمارے میں ایک اور بڑی بری عادت ہے ہر کھانے کے بعد ایک میٹھا ہونا, میٹھا کا ایک نوالا. تو میرے خیال سے سب سے زیادہ وزن ہم بہنوں کا مٹھائی کی وجہ سے ہوتا ہے, میٹھی چیز. اچھا وہ تو ہماری چھٹتی نہیں ہے, اس کو ہم کسی طرح کم کر سکتے ہیں؟ بھائی میٹھی چیزوں سے تو بہت احتیاط کرنا چاہیے, خصوصاً اب جب ڈائٹنگ کرتے ہیں آپ کو مٹھائی کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ڈائٹنگ میں جو ہے زیادہ تر آپ پروٹینز لیں اور جس سے اور ایسی غذا لیں جس سے آپ کو وٹامنز ملتے ہیں, کیلشیم. میٹھے سے کیا ملتا ہے؟ صرف آپ کی کیلریز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کو شکر کی اتنی وہ ہے عادت تو آپ کافی ٹی میں سیکرینز ڈال لیجیے گا. اچھا اور کیوں نہ ہم مٹھائی کھانے کی عادت کو ہی بدل دیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم چھٹپن سے گھر میں کم مٹھائی بنائیں تو ایک بچوں کو بھی عادت کم ہو جاتی میٹھا کھانے کی. ہماری اماں دادیوں نے تو ہماری عادت خراب کر دی ہے. اور یہ بھی لیکن ہم اس کو بدل سکتے ہیں پھلوں سے. جی یہ بھی ضروری ہے کہ جب بھی آپ یوگا کرتے ہو آپ کی مینٹل اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے. اس سے اگر آپ شوگر نہیں لینا چاہتے ہو تو آپ ایونچولی نہیں لے سکتے ہو اور خوش بھی رہتے ہو. تو مٹھائی کے ساتھ میں تو یہ کہتی ہوں کہ یوگا جب بھی کرتے ہو تبھی آپ کی اسٹرینتھ بلڈ کرو اور مٹھائی کو نہ کہنے کا سکھ. جی ایک چیز آپ میرے سے سہمت ہوں گی شاید کہ صرف یوگا اکیلی ہی چیز کافی نہیں, اس کے لیے اپنی خوراک کو کم کرنا ڈائٹنگ اور جو ہے یہ ورزش ایکسرسائزز دونوں ساتھ کرنے سے وزن کم ہوتا ہے. اچھا تو اگر میں چار روٹیاں کھاتی ہوں تو مجھے آہستہ آہستہ کم کر دینی چاہیے, تین روٹی سے بھی میرا گزارا چل سکتا ہے؟ اگر آپ ایسی کھاتے رہیں گے نا تو آپ کو آپ کے پیٹ کو بھی عادت ہو جائیں گی کم غذا لینے کی. اچھا ایک بات اور ہے, جب ہم یہ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو اکثر انجانے میں ہی ہم کچھ جیسے کہ آپ نے کہا وٹامنس کی کمی ہمارے جسم میں ہو جاتی ہے, کیا یہ بہتر نہیں ہوگا ایسی حالت میں ہم اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے کچھ ایکسٹرا وٹامنس لیں؟ آپ لے سکتے ہیں اگر آپ برابر غذا نہیں لے رہے ہیں تو روزانہ ایک وٹامن کی گولی لے سکتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سے پوچھنے. ہاں ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ بتائیں کہ آپ ڈائٹ کر رہی ہیں. اچھا ذرا بہت ہی جلدی جلدی مجھے یہ بتا دیں کون سی ایسی غذائیں ہیں جو ہمارے لیے بہت اچھی ہیں جس سے ہمارا وزن زیادہ نہیں بڑھے گا؟ دیکھیے غذا میں جو ہے آپ کو ضروری جو روز لینا ہے وہ ہے دودھ, انڈے, مچھلی, گوشت, دال لے سکتے ہیں اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو, اور یوگرٹ. ہاں دال کھائیں لیکن اس پہ گھی کا بگھار نہ دیں. ہر چیز میں آپ یہ احتیاط کریں کہ کم سے کم بگھار اور تیل اور گھی استعمال اور اپنی خوراک کو کم کر دیں اور زیادہ تر پھل کھائیں اور تب سبزیاں کھانا شروع کر دیں. للیتا جی میں یہ مانتی ہوں کہ جو ہائی فائبر ڈائٹ کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ڈائٹ سے ضرور ویٹ کم ہوتا ہے, اس کے ساتھ یوگا کی پریکٹس. جی یہ نیسسری نہیں آپ کو میٹ کھانا. اچھا دونوں چیزوں کو اگر ملا لیں تو کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمارا وزن کیوں نہیں کھا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. تو بہنوں دیکھو ہم نے آپ کی یہ تھوڑی سی تکلیف سلجھانے کی کوشش تو کی ہے لیکن ہم تو آپ کو صرف معلومات پہنچا سکتے ہیں, اصلی کام تو آپ کو کرنا ہے. تو آپ تیار ہو جائیے, ذرا اپنا کھانا پینا تھوڑا کم کر دیجیے, ٹھیک چیزیں کھائیں اور یوگا ساتھ میں ضرور کریں. لیجیے اب آپ باقی کا پروگرام دیکھیے.